दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे किसी फोल्डर के भीतर पड़े हुए फाइल्स को, अगर उसे हमें लिस्ट करना हो, उसकी एक लिस्ट बनानी हो कि कौन कौन से फाइल इस फोल्डर के भीतर पड़े हुए हैं। जैसे कि आप ये व्यू में गए, लिस्ट में फॉर्मेट कर रहे थे, इतने सारे आपके फाइल्स पड़े हुए हैं, हो सकते हैं हज़ारों फाइल पड़े हुए हों, और इन सारे फाइल को अगर आपको लिस्ट करना हो तो कैसे लिस्ट करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा कमांड होता है, उसको हम देखते हैं कि कैसे लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर आप इसके एड्रेस बार में गए, यहाँ पर आप CMD टाइप कीजिए तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है। अब आपको करना क्या है कि आप देखिए, आप उसी पाथ पे हैं, माइंड कीजिए कि यहाँ पर आप उसी पाथ पे हैं, वीडियोज़ वाले फोल्डर के भीतर। अगर लिस्ट करना है ना, तो DIR कमांड होता है। DIR कमांड लिखेंगे तो उस डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स होंगे, फोल्डर्स होंगे, उसकी डिटेल आ जाती है। ठीक है, अगर मैं इसको इंटर कर दूँ ना, तो ये फाइल्स फोल्डर के सारे डिटेल आ गए आपको यहाँ देखिए। लेकिन ये किसी, आप चाहते हैं कि आपका किसी टेक्स्ट फाइल के भीतर ये सारे डेटा जो है स्टोर हो जाए, तो वही कमांड जो मैंने अभी रन किया था ना, DIR, तो उस कमांड में स्लैश करके क्या करेंगे, बी लिख देंगे। अभी अभी मैं ऐसे बी वाला हटा देता हूँ। आप ये रीडायरेक्शन का एरो साइन लगाएंगे, ये बताता है कि हमें कहाँ जाकर उस डेटा को सेव करना है। ये एरो साइन बताता है कहाँ सेव करना है। तो जिस नाम से आप फाइल बनाना चाहते हैं ना, तो लिस्ट नाम से अगर आप फाइल बनाना चाहते हैं, तो उस फाइल का एक्सटेंशन होगा TXT दे देते हैं, टेक्स्ट फाइल में मैं स्टोर करना चाहता हूँ। और जब आप इस कमांड को रन करेंगे ना, तो इसी फोल्डर, ये जो पाथ आपका दिख रहा है, इसी पाथ है, मतलब वीडियोज वाले फोल्डर के भीतर ये लिस्ट नाम का एक TXT फाइल बनेगा, और उसमें सारे जो हैं डायरेक्टरी के जो भी लिस्ट बन रहे हैं ना यहाँ पर, ये सारा डेटा आपको वहाँ पर चला जाएगा। मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, इंटर दबा दिया। आप देखें, उसी वीडियोज वाले फोल्डर के भीतर आपको लिस्ट नाम का एक फाइल बन गया ना, सारे डिटेल आपको आ रहे हैं। इसमें आपको ऐसे भी डिटेल आ रहे हैं जिसकी हो सकती है आपको ज़रूरत नहीं हो। हो सकता है कि आपको केवल ये ज़रूरत हो कि ये फाइल का नाम क्या है, एक्सटेंशन क्या है, आपको ये फाइल में कितनी साइज है, ये साइज बता रहा है, किस डेट को ये फाइल मॉडिफाइड वगैरह हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं चाहिए, केवल आपको चाहिए कि आपको फाइल का नाम मिल जाए ना, तो वही कमांड जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा मैं। एरो बटन दबाऊंगा तो प्रीवियस कमांड वापस आ जाएगा। यहाँ पर जो आप जाएंगे अपने कर्सर को, एरो की से मैं पीछे जा रहा हूँ, यहाँ पर स्लैश करके बी लिख दें। ये बताता है, इस कमांड को बता रहा है कि DIR के आगे अगर बी लिख देते हैं ना, तो ये बताता है बियर फॉर्मेट। बियर फॉर्मेट का मतलब होता है कि ये जो पूरा डिटेल आ रहा है ना, किस डेट को ये पार्टिकुलर क्या साइज है, ये सब हट जाएगा। केवल बियर का मतलब है कि केवल उस फाइल का नाम आएगा, और ये ओवरराइट हो जाएगा। उसी फाइल में अगर आप सेव कर रहे हैं लिस्ट नाम में, तो पहले वाला डेटा ओवरराइट हो जाएगा। और फिर जाते हैं वहाँ, चेक करते हैं। अगर अब हम खोलेंगे ना, तो अब हमें सारे फाइल्स के केवल नाम दिख रहे हैं, सारे फाइल्स के। लेकिन आप देखिए कि इसमें आपको डायरेक्टरी का भी नाम आ रहा है, CSV फाइल्स लिखा है ना, CSV फाइल डायरेक्टरी है, तो उसका भी नाम आ रहा है। लेकिन उस CSV फाइल्स के भीतर जो फाइल है, उसका तो लिस्ट नहीं आया। अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको कि फाइल का लिस्ट तो आ रहा है, डायरेक्टरी का भी नाम आ रहा है इस फोल्डर के भीतर जो है, लेकिन आप चाहते हैं कि रिकर्सिव तरीके से उस फोल्डर के भीतर जो फोल्डर है, उसके भी फाइल्स की लिस्ट आ जाए, तो उसके लिए इसी कमांड को क्या करना है, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करना है। फिर से हम पुराने कमांड पे जाने के लिए एरो बटन को दबाया, जो अप एरो का कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड पे आप अप एरो है, उसको दबाना है। फिर अपने हम जाते हैं, और यहाँ पर फिर स्लैश एस कर देते हैं। एस का मतलब होता है सब डायरेक्टरी, और जो स्लैश करके लिख रहे हैं, ये स्विचेज बता रहा है कि क्या क्या इसमें हम ऑप्शन दे रहे हैं एक DIR कमांड के बाद। तो हमने दो दिया, पहले बी से बियर फॉर्मेट, मतलब केवल फाइल फोल्डर के नाम, और दूसरा हमने दिया सॉरी स्लैश एस, मतलब सब डायरेक्टरी में भी रिकर्सिव तरीके से उसकी लिस्टिंग करनी है। और जब इंटर दबाऊंगा, तो ये उसी नाम का अगर लिस्ट फाइल को यूज कर रहे हैं ना, तो उस फाइल को ओवरराइट कर देगा, मतलब उसका डेटा डिलीट हो जाएगा, मतलब क्लीन हो जाएगा फाइल, और फिर से नया उसमें कमांड के अकॉर्डिंग सारा चीज़ आएगा। अब मैं जाके वापस देखूंगा, तो ये फाइल जो है हमारा ओवरराइट हो गया है। और अगर हम फाइल को जाके लिस्ट ये देखें ना, हमारे पास क्या आ गया, जो रिकर्सिव तरीके से CSV फाइल्स है ना, उसके भीतर जो जो भी फाइल है, AA, BB, CC, DD, आप जाके देख लीजिए, इसके भीतर AA, BB, TXT फाइल है, और इसमें CSV में CSV एक्सटेंशन वाला फाइल है।
तो वो आपके टेक्स्ट फाइल में ही आ जाएगा। देखिए CSV वाला भी आ गया, TXT वाला भी आ गया। तो इस तरीके से बहुत ही यूजफुल है कि कई बार आपको अपना लिस्ट बनाना होता है किसी डायरेक्टरी के भीतर, या डायरेक्टरी के भीतर के डायरेक्टरी के, इन सब की लिस्ट बनानी हो एक जगह, तो ये आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस ये कमांड समझना है कि कमांड का मीनिंग क्या है। DIR का मतलब डायरेक्टरी, B का मतलब बेयर फॉर्मेट, S का मतलब सब डायरेक्टरी। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आप किसी फाइल में नहीं सेव करना चाहते हैं, केवल अपने कमांड कंसोल पर देखना चाहते हैं, तो इसी कमांड में ये यहाँ तक का आपको डिलीट कर देना है, और सामने पहले देख लीजिए क्या आउटपुट आया, वही आउटपुट आया ना। जब इसको आउटपुट को किसी फाइल में सेव करना हो तो एरो सिंबल लगाकर उस फाइल का नाम लिख दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।